उस हिल हाउस के जंगल के भूल भुलैया में एक अजीब सी खामोशी डेरा जमाई बैठी है, और वहाँ जो कुछ भी है अकेला ही है। और जब पोर्चलेट दो बार जलाऊंगी तो वो घर आने का सिग्नल होगा। पता है घर इंसान के शरीर की तरह होता है, दीवारें हड्डियों का ढांचा है और पाइप्स इसकी नसें, इसका सांस लेना और रोशनी और बहाव की जरूरत है, सब एक साथ चलता है ताकि हम अंदर सेफ और खुश रह सकें। मैं हमेशा सोचती रही कि समय एक लकीर की तरह है। मुझे लगता था हमारी जिंदगी रेल के डिब्बों की तरह है, हर एक पल एक के बाद एक सलीके से लगा हुआ। जब हम मर जाते हैं हम भी कहानियाँ बन जाते हैं, और जब भी कोई हमारी कहानी सुनाता है ऐसा लगता है हम भी जिंदा नहीं है। और जो उसकी लाश है, लाश है। जागने का वक्त हो गया मेरी बच्ची। मुझे पता है वो टूटी गर्दन वाली लेडी बहुत डरावनी होगी, पर वो कुछ नहीं करे, वो बस तुम्हारे सपने में। मेरा बच्चा, तुम जाके, ओह कितना मिस किया मैंने तुम्हें, पता है? मैंने उसे छुआ और मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। वो अब ठीक है, वो वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए। हम बाहर चाहे कितना भी सजा ले, अंदर सिर्फ अंधेरा है, सड़न है और तबाही है। मुझे ठंड लग रही है। ये पूरा घर ही ठंडा है। मैं सालों तक उस घर में एक चीज ढूंढता रहा पर ढूंढ नहीं पाया, पता है क्या? कोई वजह। वाओ कितना कूल है। हम आ गए। Oh.